हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक्टिव पावर मीटर के बारे में बताऊंगा। मींस यहां पे हम लोगों के पास सीएनसी ब्रांड का डिजिटल एक्टिव पावर मीटर है। अब इस पावर मीटर को यूज करके आप लोग क्या काम कर सकते हो कि आपका अभी एक्टिव पावर कितना चल रहा है। मान के चलो आपका घर का लोड है 2 किलोवाट का और आपका जो एक्टिव पावर जो आपका एक्टिव लोड है वो मान के चलो 1000 वाट का है, तो ये मीटर आपको बताएगा 1000 वाट कि आपका अभी एक्टिव पावर कितना चल रहा है। अगर मैं इस मीटर के कुछ फंक्शंस के बारे में बताऊं तो यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हुए हैं हम लोगों को। ओके, ये सेट का बटन है, ये शिफ्ट का बटन है, ये अप एंड डाउन का बटन है, जो भी हम लोग यहाँ पे पैरामीटर सेट करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग कोई एनर्जी मीटर या फिर एक्टिव पावर मीटर या फिर हम लोग पावर भी अगर कहीं पर भी मेजर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमको करंट और वोल्टेज दोनों चाहिए होता है। तो करंट के लिए हम लोग सीटी यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने सीटी लगाया हुआ है और ये जो सीटी है हम लोगों का वो 100:5 का है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, 100:5 का ये सीटी है हम लोगों का। और पीटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर हम लोग मान के चलो 600 वोल्ट से अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मान के चलो हमारे लाइन में 600 वोल्ट से ज़्यादा अगर सप्लाई है तो वहाँ पे हम लोगों को फिर पीटी की ज़रूरत होती है। उससे कम है तो हम लोग अपने कंट्रोलर को डायरेक्ट दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम वही चीज़ करते हैं, हम लोग वोल्टेज लाइन और न्यूट्रल डायरेक्ट दे देते हैं और करंट हम लोग यहाँ पे सीटी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे S1, S2, बाकी कनेक्शन और इसके पैरामीटर वगैरह सेटिंग के लिए मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है Learn EEE चैनल के ऊपर, आप लोग सिंपली देख सकते हो इस आई बटन पे क्लिक करके। ओके, तो कनेक्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किए हुए हैं। मैं सिंपली एक काम करता हूँ, इस कनेक्टर को यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, इस तरीके से। उसके बाद जो हम लोगों को इसमें पैरामीटर वगैरह कुछ सेट करने होते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे सिंपली अभी करके देखेंगे कैसे हम लोग क्या क्या चीज़ें कहाँ पे करनी होती हैं। और पैरामीटर में ज़्यादा कुछ है नहीं, सीटी के पैरामीटर सिंपली आप लोग यहाँ पे डालो एंड उसके बाद आप लोग इस मीटर को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जो मैंने VFD यूज़ करी हुई है, इस VFD को मैंने इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो हमारा एक्टिव पावर है उसको हम लोग मेजर करेंगे। तो एक्टिव पावर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक इंडक्शन मोटर ली हुई है, तो इंडक्शन मोटर को मैं यहाँ पे VFD से चलाऊंगा। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपली यहाँ पे पावर ऑन करता हूँ। तो मैंने पावर ऑन कर दी और VFD हम लोगों की यहाँ पे स्टार्ट हो गई। अभी ये ब्लिंक कर रहा है, हम लोग यहाँ पे M फंक्शन को यहाँ पे इस की को प्रेस करते हैं। तो सिंपली अभी मैं अगर मान के चलो इसको स्टार्ट करता हूँ तो हमारा यहाँ पे मोटर स्टार्ट हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये ब्लिंक नहीं करेगा, हमारा फ्रीक्वेंसी हमको शो होगा। तो अभी यहाँ पे हमारा एक्टिव पावर कितना है वो हमको यहाँ पे 0 वाट दिखा रहा है। अभी हमारा कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मान के चलो अगर मैं ये रन का बटन यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे सिंपली हमको रीडिंग देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि अभी हम लोगों का जो एक्टिव लोड है वो इतना वॉट है, वो हम लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मान के चलो अगर हम लोगों को कुछ पैरामीटर वगैरह कुछ सेट करने हो इसके, तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। सिंपली हम लोग इस सेट के बटन को प्रेस करके रखेंगे 3 सेकेंड के लिए। अब यहाँ पे 0 0 आ रहा है, यहाँ पे हम लोग पैरामीटर इसके डालेंगे 1, सेट करेंगे तो ये PT आ गया। अब PT में एक बार और बार हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लायर है, अगर आप लोगों का मान के चलो PT अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो उसका मल्टीप्लायर आप लोगों को यहाँ पे डालना होगा। अब सेम इसी तरीके से ये हम लोगों का CT है, अब CT हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो CT का मल्टीप्लायर हम लोगों को यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो कि अगर हमारा CT 100:5 का है तो हमको उसका मल्टीप्लायर 20 यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके, अब 20 किस तरीके से आया, 100 को अगर आप लोग 5 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। अब ये इसका मल्टीप्लायर है, सिंपली हम लोग इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मल्टीप्लायर जब आप लोग डालो अपने मीटर में तो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि मल्टीप्लायर सही होना चाहिए। ओके, अगर आप लोगों का मल्टीप्लायर गलत होगा, गलत आप लोग वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका मीटर आपको गलत रीडिंग देगा क्योंकि ये सिर्फ कैलकुलेट करता है। ओके, ये आपका एक्चुअल कितना यहाँ पे आ रहा है सप्लाई, कितना लोड कितना है आपका, अगर आप लोग सिटी यूज़ कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पे देगा नहीं, आप लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लायर कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा। ओके, अब सेम यहाँ पे कुछ मीटर तो ऐसे होते हैं कि जो आपको प्रोग्रामिंग के टाइम पे देते हैं कि आपका प्राइमरी का रेशियो क्या है, सेकेंडरी का रेशियो क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग 100 है तो 100 आप लोग डालो मीटर में, 5 है तो 5 डालो मीटर में, ऑटोमेटिक आपका कंट्रोलर मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर लेता है। बट इसमें हमको मल्टीप्लायर कैलकुलेट करके डालना है, सिर्फ सीटी की आप लोग यहाँ पे मतलब वैल्यू डाल दो, उसके बाद आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे ये आपका जो एक्टिव पावर है वो आपको मेजर करके दे देगा। सिंपल सा यहाँ पे इस मीटर में मतलब कनेक्शन भी बहुत सिंपल है और पैरामीटर वगैरह डालना भी कुछ बहुत ईजी है। सेम इसी तरीके से इन लोगों का एक और मॉडल है डिजिटल वोल्ट मीटर का, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये है हम लोगों का यहाँ पे डिजिटल वोल्ट मीटर। ओके, बिल्कुल सेम है।
ठीक है, ये डिजिटल वोल्ट मीटर है, इसमें भी कुछ फंक्शन की हैं तो ये भी सेम है, मल्टीप्लायर आप लोगों को सिंपली डालना पड़ेगा अगर आप लोग पीटी यूज़ कर रहे हो, बाकी सीटी की वैल्यू कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा एक डिजिटल वोल्ट मीटर है। बाकी कनेक्शन इसके भी यहाँ पे दिए हुए हैं और किस तरीके से आप लोग इसके कनेक्शन करोगे वो यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है। डायरेक्ट आप लोग, क्योंकि वोल्टेज अगर 600 वोल्ट से कम है तो डायरेक्ट आप लोग लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग वोल्टेज जो है वो मेज़र कर सकते हो। प्लस यहाँ पे इसकी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो आप लोग, रेंज दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है कि कितना मेज़र कर सकते हो, और पावर कंट्रोलर को ऑन करने के लिए कितना देना है वो AC 220 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है 50-60 हर्ट्ज। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, एक यहाँ पे मान के चलो एक्टिव पावर मीटर अगर आप लोगों को यूज़ करना है तो आप लोग सिंपली यूज़ कर सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आप लोगों को किसी और कंपोनेंट के बारे में या फिर किसी भी डिवाइस के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक के ऊपर जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक्स और कमेंट्स से हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा लेक्चर्स बनाने के लिए। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लो ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।